हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाते हैं लो ऑयल चिकन, तो चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं ऑयल फ्री चिकन। ये हम डाइट में भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन वाला होगा ये हमारा जो चिकन है। इसके लिए हमने हाफ के जी चिकन ले लिया है। 10 to 12 गार्लिक को हमने पील करके ले लिया है, कलियों को गार्लिक की। 2 प्याज को हमने लंबी लंबी डाइसेस में कट कर लिए। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन मसाला, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर और 1/2 टेबलस्पून हल्दी ले लिया हमने। तो चलिए आइए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर में 1 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया है। सबसे पहले हम हींग डाल देंगे। 1/2 टेबलस्पून हींग ऐड किया है मैंने इसमें, एसोपीडिया जिसे कहते हैं हम। साथ ही इसमें हम गार्लिक और अनियन भी ऐड कर देंगे, बिकॉज ऑयल बहुत लेस है तो आप इसे ज़्यादा कुक नहीं कर पाएंगे। जब आपका चिकन कुक होगा तो ये भी साथ में कुक हो जाएंगे। थोड़ा सा ब्राउन होने की तब इसको हम हिलाते रहेंगे। 2 मिनट्स हो गए हैं जैसे कि प्याज को मेरे को हल्का हल्का फ्राई करते हुए। अब हम सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर भी डाल देंगे और इसको चलाते हुए सारे मसालों को 1 मिनट के लिए कुक होने देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा, नहीं तो सारा मसाला और प्याज वगैरह सब जल जाएगा, बिकॉज ऑयल जो है हमने ओनली 1 टेबलस्पून लिया हुआ है। मसाला हो गया जी हमारा रेडी, तो अब हम चिकन के जो लेग पीसेस हैं वो इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम थोड़ा कुक होने देंगे। बीच में कट ज़रूर लगा लीजिएगा, मैंने लगा लिए थे पहले बट आपको पहले बताना भूल गई थी। कट्स लगा लेंगे तो उससे मसाला जो है इसके अंदर अच्छे से फिल्ड हो जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मीडियम गैस पे हम इसे 5 मिनट ऐसे ही फ्राई करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं जिसको कुक होते हुए मीडियम फ्लेम पे। अब फ्लेम को थोड़ा सा और सिमर कर देंगे। 1/2 ग्लास वाटर मैं इसमें ऐड करूँगी, आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए लिड को हम इसके ऊपर दे देंगे। 1 टेबलस्पून विनेगर भी मैं इस पे ऐड कर दूंगी ताकि इसकी जो है कच्चेपन की स्मेल और चिकन की जो स्मेल है उससे वो आपको आएगी नहीं बिल्कुल भी। और कुकर की लिड हम इसके ऊपर दे देंगे। 5 मिनट्स हो गए थे, लिड अब मैंने अभी हटाई है इसकी। आप देख सकते हो कितने अच्छे से बॉयल आ रहा है चिकन में। अब हम इसकी लिड को जो है वो क्लोज कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको रखेंगे 10 मिनट्स। उसके बाद जो है कुकर खोल के चेक करेंगे। ये देखिए जी, कुकर की लिड ली है हमने खोल। आप देख सकते हैं मैंने ग्रेवी बहुत ही कम रखी है। ये हमारा डाइट फ्री जो चिकन है वो हो गया बिल्कुल रेडी। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए जी, हमने कर लिया है अपने चिकन को डिश आउट। बहुत ही लाइट ग्रेवी बनाई है ताकि अब इसे परांठे, नान या चपाती और चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्रेवी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा भी रख सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको आई होगी बहुत बहुत पसंद, और आप कमेंट्स में बताएंगे कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है।